अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर स्टार्ट होना है फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। नाइन्थ क्लास में हम पढ़ के आए थे सेलुलर रिस्पायरेशन में कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। We know that in cellular respiration, glucose molecule goes through oxidation-reduction reaction to release energy in the form of ATP. हम जानते हैं कि cellular respiration में जो glucose है वो oxidation-reduction reaction से गुजर के energy release करता है ATP की form में। अब यहाँ से इसकी definition है, fermentation is a process in which there is incomplete oxidation-reduction of glucose, जिसमें इन glucose जो है वो incompletely oxidized होता है और उसमें रिडक्शन होती है। फर्मेंटेशन हैज़ बीन इन नॉलेज ऑफ मैन सिंस सेंचुरीज, यानी कि सदियों से फर्मेंटेशन का जो नॉलेज है वो उसको इंसान जानते हैं। बट इट वाज बिलीव दैट इट इज़ प्योरली केमिकल प्रोसेस, तब ये माना जाता था कि ये टोटली केमिकली प्रोसेस टेक प्लेस होता है। इन 1857 पाश्चर कन्वेंस द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट ऑल फर्मेंटेशन आर द रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। 1857 में लुइस पाश्चर साइंटिस्ट ने साइंटिस्ट की कम्युनिटी को ये कन्वेंस किया इस बात पे कि जितने भी यानी कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस है तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। ही शोड दैट फर्मेंटेशन इज ऑलवेज कंप्लेन बाय द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसने इस बात को शो भी किया कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही टेक्स प्लेस होता है। देर आर मैनी काइंड ऑफ फर्मेंटेशन एंड ईच काइंड इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर माइक्रोबियल ग्रुप। फर्मेंटेशन के मुख्तलिफ काइंड्स हैं, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और तमाम टाइप्स की जो फर्मेंटेशन है वो अलग अलग माइक्रोबियल ग्रुप्स की वजह से होती है। जैसे कि अब देखें हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन बताया गया है। अब देखें क्लास नाइन्थ में हमने जब रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म पढ़ा था तो उसमें हमने पहला स्टेप पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज चेंज होगा पाइरुविक एसिड में। ठीक है, तो रिस्पायरेशन और जो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन है उसके जो इनिशियल स्टेप हैं वो सेम है। उसके बाद पाइरुविक एसिड से आगे इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते जाएंगे स्पेसिफिक, वो उस टाइप के आगे फर्दर प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे। फर्मेंटेशन आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, जिस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे उस तरह के ही फर्मेंटेशन का हम नाम रखते जाएंगे, उसको क्लासीफाई करते जाएंगे। द इनिशियल स्टेप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक हो गया। द प्रोसेस बिगेंस विद ग्लाइकोलिसिस इन विच द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड। ठीक है जी, हमने देख लिया है ये। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस द फर्दर रिएक्शंस इन डिफरेंट वेज, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड से आगे फर्दर इनको यानी कि जो जिस तरह के माइक्रोबियल ग्रुप मिलेंगे, जिस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे उस तरह के वो फिर फर्दर आगे प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे। अब इनकी बिना पे देर आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर डिस्क्राइब्ड। दो टाइप्स की फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है यीस्ट की मदद से। अब देखें पाइरुविक एसिड को वो पहले चेंज हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा एथानोल में, ये अल्कोहल है। ठीक हो गया, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी। ये होता कहाँ से है, यानी कि पाइरुविक एसिड के अगर यहाँ पर इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यीस्ट मिलेंगे तो वो एथेनॉल में चेंज हो जाएगा। दिस फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय मैनी टाइप्स ऑफ यीस्ट सच एज कैरोमाइकस सर्वेसियाई। ये यीस्ट का अब नाम है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो वो पाइरुविक एसिड को चेंज कर देगा एथेनॉल में। दिस प्रोसेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इज यूज टू प्रोड्यूस ब्रेड, बियर, वाइन एंड डिस्टिल्ड स्प्रिट। ये आमतौर पर ब्रेड वगैरह जो डबल रोटी बनाते हैं वो बियर शराब वगैरह बनाने के लिए, वाइन एंड डिस्टिल्ड स्प्रिट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम पाइरुविक एसिड। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाती है रिएक्शन से। द प्रोडक्ट इज दैट एसिटल्डिहाइड इज देन रिड्यूस्ड टू एथानोल। पहले एसिटल्डिहाइड बनता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है एथानोल में। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस फर्मेंटेशन कॉजेज द राइज ऑफ द ब्रेड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से खारिज हो रही है वो क्या करती है कि जो डबल रोटी होती है, ब्रेड होता है, उसको थोड़ा सा फुला देती है। नेक्स्ट है अब दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये बैक्टीरिया की मदद से होता है। अब ये पाइरुविक एसिड को अगर यहाँ पे अगर बैक्टीरिया मिल जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया अगर मिलते हैं तो वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में।
इन दिस प्रोसेस पायरविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड. इट इज कैरिड आउट बाय मैनी बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया का नाम है, एंड मैनी लैक्टोबैसिलस स्पीशीज. और लैक्टोबैसिलस स्पीशीज जो है बैक्टीरिया, उनकी मदद से भी ये इसमें पायरविक एसिड लैक्टिक एसिड में चेंज हो सकता है. इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन डेयरी इंडस्ट्रीज वेयर इट यूज फॉर सोरिंग मिल्क, यानी कि दूध को इकट्ठा करने के लिए, फुटाने के लिए, एंड आल्सो फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़, और चीज़ की मुख्तलिफ अकसाम बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. अब हमारे पास नेक्स्ट है फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी. हम जो पिछला पढ़ा है, हमने क्वेश्चन डिफाइन कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. उसके बाद ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन है फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन जो है. ठीक हो गया. इन बिगिनिंग द मीनिंग ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस वाज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, चीज, योगर्ट, फर्मेंटेड पिकल्स एंड सोसेजेस, सोया सॉस एट्सेट्रा, ब्रीवर्स, बियर्स, वाइन्स एंड स्प्रिट्स. यानी कि कहते हैं कि शुरू में जब फर्मेंटेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता था तो फूड के ये वाले प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और बीवरेज जो वाइन शराब वगैरह होती हैं उनकी ये एक्साम बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था. हाउ एवर इन बायोटेक्नोलॉजी द टर्म्स फर्मेंटेशन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय द मैस कल्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लेकिन अब जो फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाता है तो वो कहते हैं कि फर्मेंटेशन के जरिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए कोई भी प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन. इन फर्मेंटेशन मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज ऑब्टेन्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल वैल्यू. ट्रेडिशनली ओनली फूड एंड बीवरेज प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग फर्मेंटेशन. नाउ मैनी अदर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर ऑल्सो बींग प्रोड्यूस्ड. फर्मेंटेशन की यानी कि जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है ऑर्गेनिजम्स की मदद से, उसके मदद से हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिनको हम कमर्शली सेल करके कुछ ना कुछ मुनाफा ले सकते हैं. पुराने ज़माने में जस्ट इसको फूड के कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और शराब के कुछ अकसाम को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें फर्मेंटेशन को इस्तेमाल किया जाता है. फर्मेंटेड फूड्स. फर्मेंटेशन ऑफ्टन मेक्स द फूड मोर न्यूट्रिशियस, मोर डाइजेस्टेबल एंड टेस्टियर. अब यानी कि जो फर्मेंटेशन है वो खुराक को मोर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ज़्यादा ताकतवर बना देती है. मोर डाइजेस्टेबल, वो इजीली हमारे पेट में या हमारे यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाती है, हजम हो जाती है. और टेस्टियर, उसका जायका भी पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है. इट आल्सो टेंड्स टू प्रिजर्व द फूड. हम खुराक को महफूज भी कर सकते हैं, लोवरिंग द नीड्स फॉर रेफ्रिजरेशन, जो कि हमें चीज़ों को फ्रिज में रखने से बचा देता है, कम यानी कि हमें ज़रूरत पड़ती है. द फॉलोइंग ग्रुप्स आर इंक्लूड इन द फर्मेंटेड फूड्स. सीरियल प्रोडक्ट्स, ब्रेड इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट्स. यानी कि आमतौर पर जो सीरियल प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम स्टोर कर लेते हैं वो भी फर्मेंटेड फूड का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं. वीट डफ इज फर्मेंटेड बाय एस सर्वेसियाई अलॉन्ग विद सम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. वीट डफ यानी कि जो आटा वगैरह होता है उसको हम फर्मेंटेड करके इस टाइप्स के जो बैक्टीरिया हैं उनको और लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया हैं उनसे उसको फर्मेंटेड करके ज़्यादा टाइम के लिए महफूज कर सकते हैं. अब देखिए उन्होंने फर्दर आगे डिवाइड कर दिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं. देखें डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या बनता है जी, चीज़ एंड योगर्ट आर इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स. चीज़ इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ मिल्क प्रोटीन इज कोएगुलेटेड. जब दूध के अंदर जो प्रोटीन है वो जम जाती है तो वो चीज़ बन जाता है. दिस हैपन्स वैन द एसिड प्रोड्यूस्ड बाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रिएक्ट्स विद मिल्क प्रोटीन. यानी कि जब हम उसमें फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स डाला है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब मिल्क प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसको वो चीज़ में चेंज कर देंगे. योगर्ट इज मेड फ्राम मिल्क बाई डिफरेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. मुख्तलिफ कम सब जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उनसे योगर्ट भी बना लेते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स. फर्मेंटेशन इज यूजली यूज अलॉन्ग विद साल्ट एंड एसिड्स टू प्रिजर्व पिकल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. यानी कि हम अचार को प्रिजर्व करने के लिए, फ्रूट्स को और वेजिटेबल सब्जियों को प्रिजर्व करने के लिए भी फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है जी ब्रीवेज प्रोडक्ट्स. बियर इज प्रोड्यूस फ्राम सीरियल ग्रेन्स विच हैव बीन मेल्टेड, ड्राइड एंड ग्राउंड इन टू फाइन पाउडर. यानी कि जो बियर्स है सबसे पहले वो उसके जो दाने होते हैं उसको पहले यानी कि पिघलाया जाता है, उसको साफ किया जाता है और उसको फिर पाउडर में पीस लिया जाता है. फर्मेंटेशन ऑफ द पाउडर इज डन बाई यीस्ट. उसके बाद उस पाउडर की फर्मेंटेशन की जाती है यीस्ट की मदद से. यीस्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दिस प्रोसेस ब्रेक्स द ग्लूकोज
प्रेजेंट इन पाउडर इनटू पायरुविक एसिड। ये क्या करता है कि उस पाउडर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको पायरुविक एसिड में चेंज कर देता है एंड देन इनटू एथानॉल, उसके बाद वो एथानॉल में चेंज हो जाते हैं। ग्रेप्स कैन बी डायरेक्टली फर्मेंटेड बाय यीस्ट टू वाइन। जो अंगूर होते हैं शराब की एक टाइप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर वो यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली ग्रेप्स को चेंज कर लेते हैं। अब ये है कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये लेदर से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में देखें, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होंगे और ये आगे फर्दर उनसे चीज़ें बनती जाएंगी। अब देखें, सबसे पहले जो प्रोडक्ट है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में एस्परजिलस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं एज अ फर्मेंटेशन, यूज इन टेक्सटाइल डाइंग कपड़ों को यानी कि रंग करने के लिए, लेदर ट्रीटमेंट चमड़े के ट्रीटमेंट के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग चीज़ों के ऊपर तह चढ़ाने के लिए, दूसरी चीज़ों की रबर मैन्युफैक्चर रबर बनाने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट है एथानॉल, इसमें स्कैरोमाइकस इस्तेमाल होता है, यूज्ड एज सॉल्वेंट, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर एंड बीवरेजर्स, ये सिरका वगैरह और शराब की कुछ अकसाम को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ग्लिसरॉल स्कैरोमाइकस को इस्तेमाल करेगा, यूज एज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉस्मेटिक्स, ये जो मेकअप का सामान होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। एंड सोप, साबुन बनाने के लिए, यूज इन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज एज स्वीटनर, चीज़ों को मीठा करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अर्कैलिक एसिड बैसिलस को इस्तेमाल करेगा, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था, आपने इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जजाकल्ला।